Hello children, from this video we are going to start our new chapter in science, that is material, metals and non-metals. सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं जिस्ट ऑफ द लेसन, वो टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. एलिमेंट्स, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एंड देन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ वाटर, एंड रिएक्शन देन रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ एसिड, फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ बेस. फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो सिंपली आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें मेटल और नॉन मेटल के सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. उसके बाद हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल का, पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ, उसके बाद बेस के साथ. और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और एट लास्ट हमें पढ़ना है यूज़ मेटल और नॉन मेटल का. आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे दो सब्सटेंस में या फिर उसे सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा या केमिकल मेंस के द्वारा दो पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे छोटे या सिंपलर पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे एलिमेंट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आयरन. आयरन एक एलिमेंट है और इसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा आयरन को ब्रेक नहीं किया जा सकता. आयरन को ब्रेक करके दो छोटे या फिर सिंपलर सब्सटेंस नहीं मिल सकते. आयरन खुद एक सिंपल सब्सटेंस है, इससे सिंपलर सब्सटेंस नहीं हो सकता. उसी तरह से जो भी दूसरे एग्जांपल्स हैं एलिमेंट के, यहाँ पर आप देखें आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, गोल्ड, और फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्करी, एल्युमिनियम, ये सब एग्जांपल हैं हमारे एलिमेंट के. फिर देखिए स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल. हर एक एलिमेंट को सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है, उसको दिखाया जाता है एक सिंबल के द्वारा. और ऑल द एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट होते हैं, सबका सिंबल अलग अलग होता है. किसी का सिंबल किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलता है. नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सिंबल. और एक तरह से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का. सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट को हमेशा हम उसके पूरे नाम से नहीं बुला सकते, इसलिए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जो कि इंग्लिश के लेटर्स होते हैं. यहाँ पर आप देखें, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H सिंबल लिखते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हैं, कार्बन के लिए C सिंबल यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सिंबल एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली जो उसका नेम है उसका फर्स्ट लेटर होता है या फिर फर्स्ट टू लेटर्स होता है, ऐसे करके. जैसे आप हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन का एच है, फर्स्ट लेटर लिया है हमने, नाइट्रोजन का एन फर्स्ट लेटर लिया है, कार्बन का सी फर्स्ट लेटर लिया है, मैग्नीशियम में हमने एम जी लिया है ना, एम कैपिटल जी स्मॉल. तो इस तरह से नेमिंग भी होती है. और कई बार आप देखें सिंबल ऐसे भी लिए जाते हैं, ऐसे भी सिंबल होते हैं जो उनके नेम में आपको वो लेटर नहीं मिलेंगे. जैसे आप देखें सोडियम,
सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, दैट इज़ यहाँ पर आप देखें सोडियम में कहीं भी आपको Na टर्म, Na जो वर्ड है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये लेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, Na लेटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इनका सोडियम का। और ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिंबल जो है वो उनके इंग्लिश नेम से नहीं बल्कि उनके लैटिन नेम से लिया गया है। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, इसलिए उसका जो सिंबल है वो Na है। उसी तरह से स्टूडेंट पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है वो केलियम है। तो अभी स्टूडेंट हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको पढ़ना है क्लास 9th में। आइए स्टूडेंट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एटम क्या होता है? एटम आप देख सकते हैं जो कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम बोलते हैं। और आप देखें एलिमेंट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो वन काइंड एक ही तरह के एटम का बना होता है। एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखें कि अलग कोई एक एलिमेंट जो होता है उसके अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक नंबर एक होना ज़रूरी नहीं होता, टाइप एक होना ज़रूरी होता है। जैसे आप देखें सल्फ़र एलिमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ सल्फ़र के एटम्स होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सल्फ़र का एटम होगा, सल्फ़र के बहुत सारे एटम होंगे लेकिन वो एटम सिर्फ सल्फ़र के ही होंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें जैसे आयरन एलिमेंट है तो आयरन एलिमेंट के अंदर सिर्फ आयरन के एटम्स ही होंगे, तो किसी भी एलिमेंट के अंदर सिर्फ उसी के एटम्स पाए जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया जाता है उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट द फर्स्ट पॉइंट मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है मैलेबल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके कारण उसे पीट करके पतले चदरे में आप कह सकते हैं वो बदला जा सकता है एकदम थिन शीट में। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी प्रेस्ड इनटू थिन शीट्स, उसको पतले शीट में हम प्रेस कर सकते हैं। जबकि डक्टिलिटी जो होती है स्टूडेंट, डक्टाइल आप जो देख रहे हैं टर्म, डक्टिलिटी की वजह से हम किसी मेटल को लंबे तार के रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको खींच करके लंबे तार के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है मेटल को। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउज इट टू एक्सटेंड इनटू अ लॉन्ग वायर के रूप में उसे ड्रॉ करने में हेल्प करता है ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं, मतलब आप उसे पीट करके उसे हैमर करके आप थिन शीट के रूप में बदल सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब आप उसे खींच करके तार बना सकते हैं, एक्सटेंड करके वायर बना सकते हैं मेटल्स। फिर आप देखें दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे चालक होते हैं, इनसे होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से गुजर सकती है, इसीलिए आप देखेंगे यूटेंसिल्स में इनका यूज़ होता है, हीटर में इनका यूज़ होता है, और जो भी
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, और फिर आप देखें जो जो वायर्स होते हैं वो वहाँ पर मेटल का यूज़ होता है। फिर आप देखें मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं, और आगे आप देख सकते हैं मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इन्हें कट करना या इन्हें बेंड करना आसान नहीं होता। दे के नॉट बी कट ईजली एक्सेप्ट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें आप आसानी से कट कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, इसे आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, बट सोडियम इज़ एन एक्सेप्शन। फिर आप देखें दे आर सॉलिड्स, मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो एक मेटल है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और फिर आप देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों ही टेम्परेचर होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों वो टेम्परेचर दोनों एक टेम्परेचर होते हैं जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करता है और बॉइल करता है। तो आप देखें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सॉलिड से कोई भी चीज़ जब मेल्ट करेगा तो वो उसका जो उसका स्टेट चेंज होगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और कोई भी चीज़ जब बॉयल करेगा तो वो भी वहाँ भी स्टेट चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है, और उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, है ना। इन्हें इसका मतलब ये है कि इन्हें जैसे आयरन है, तो आयरन को आप देखते होंगे जो ब्लैकस्मिथ होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, उसे पिघलाने का काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हीट डालनी पड़ती है इसको मेल्ट करने में, आयरन को मेल्ट करने में। तो इनको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो मेल्ट कर सकें। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर इनकी जो डेंसिटी होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी स्टूडेंट होता है मास अपॉन वॉल्यूम, किसी दिए गए वॉल्यूम के अंदर कितना मास पाया जाता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे स्टूडेंट हम एक लीटर पानी और एक लीटर केरोसिन ऑयल दोनों को आप उठाएंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन आप पाएंगे कि एक लीटर जो पानी है वो आपको एक लीटर केरोसिन ऑयल से ज़्यादा भारी लगेगा। वो ऐसा इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो ऑयल की वो कम होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखेंगे जब कभी जो ऑयल है वो फ्लोट करता हुआ नज़र आता है वाटर के ऊपर, क्योंकि वो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है वाटर से, और सेम वॉल्यूम का वाटर और ऑयल जब आप उठाते हैं तो आपको ऑयल हल्का लगेगा, वाटर भारी लगेगा। ये डेंसिटी की वजह से होता है क्योंकि एक ही वॉल्यूम में, एक ही तरह के वॉल्यूम में जो है वो अलग अलग मास पाया जाता है। वाटर में ज़्यादा मास पाया जाता है जबकि ऑयल में कम मास पाया जाता है, इसकी वजह से ऑयल का जो डेंसिटी है वो कम है और वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की। और फिर आप देख सकते हैं मेटल्स सोनोरस होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनके ऊपर आप पत्थर से किसी चीज़ से प्रहार करेंगे, हिट करेंगे इनको तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए बेल में
है ना, अलार्म बेल में यूज़ किया जाता है इनका, स्कूल बेल में भी ये मेटल्स ही यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, निकेल, कोबाल्ट, टिन, मर्करी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, इसका मतलब आप इन्हें थिन शीट में हैमर करके नहीं बदल सकते। आप इनको हैमर करेंगे ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे, ये टूट जाएंगे। नॉट मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, आप इनके वायर नहीं बना सकते हैं, आप कार्बन के वायर नहीं बना सकते, सल्फर के वायर नहीं बना सकते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये शाइनी भी नहीं होते, चमकदार भी नहीं होते, ये हार्ड और स्ट्रांग भी नहीं होते हैं, आप इन्हें ईजली ब्रेक कर सकते हैं। फिर आप देखें, दे कैन बी कट ईजली, इन्हें आसानी से कट किया जा सकता है। और यहाँ पर स्टेट के बारे में आप देख सकते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि आप देखें स्टूडेंट, कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सल्फर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, हीलियम जो है वो हीलियम, हाइड्रोजन ये सब गैस स्टेट में पाया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब गैस स्टेट में है, फास्फोरस जो है वो आपको सॉलिड स्टेट में है, और जैसे आप देखें ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम यहाँ नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लेकिन स्टूडेंट एक एक्सेप्शन है, कार्बन का एलोट्रोप है, दैट इज़ आप देखें जो डायमंड होता है जो कि एक कार्बन का एलोट्रोप है, वो हार्ड भी होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो अब बहुत हार्ड भी होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का। तो एक्सेप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दे कैन बी कट ईजली, आप डायमंड को ईजली नहीं कट कर सकते, जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है। फिर आप देखें दे हैव लो डेंसिटी, उनका डेंसिटी कम होता है, एक्सेप्शन में आपको डायमंड आएगा। फिर दे आर नॉट सोनोरस, वो सोनोरस भी नहीं होते हैं, उनको हीट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। और स्टूडेंट आपने देखा होगा ये लश्रस के बारे में, दे आर नॉट लश्रस और साइनी, लेकिन इसके एक्सेप्शन में आपको आयोडीन देखने को मिलेगा, आयोडीन जो होता है वो लश्रस होता है, वो चमकीला होता है, उसमें चमक होती है। और नॉट हार्ड के एक्सेप्शन में आपको डायमंड है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी पाई जाती है इनमें, और ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, इसकी वजह से ये सेमीकंडक्टर का काम भी करते हैं, इन्हें सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखें सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, ये सब स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटलॉइड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लाई करती है मेटल और नॉन मेटल के बीच। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आगे के क्लासेस में स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।